मांगब, हम लोग माफी ना मांगब, जो झाखर उचारे को उचाल लियो। यानी कि तुम माफी नहीं मांगोगे? या, आओ आओ, हमका लागत लौंडीवा थकाऊ मरुआई। क्या कहना चाहती हो? ये कितनी सुंदर लग रहे हैं। पीछे चलो, अगर मुझे इनसे प्यार हो जाए तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। इतनी जल्दी क्या है? मैडम जी, क्या कहना चाहती हो? बता रही हूँ। बोलो बोलो। हर दिल को लुभाने वाले दिल को लुभाने वाले मुझको गले लगा बिजली। बर्दाश्त नहीं हो रहा है मैडम जी, देखो इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ ध्यान से सुनो। आगे मान लिया जगमोहन भैया, भैया हेलो भैया, आओ 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 यार, भैया यार लंडीवा बड़ी मस्त है यार, देखिए जगमोहन भैया आगे टावर पकड़ाए रहे हैं, 10 रुपए की इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया से कह दियो जाके प्यार कर लिए, अगर आपसे ना हो सके तो 2-4 लौंडे हम भेज। इसी प्यार के चक्कर में तुम खत्म हो जाओगे बेटा। देवी जी,
तो क्यों जुर्म की जंजीर में, सुन रही हो ना, क्यों जुर्म की जंजीर में हो फांसती हमें। ये आगे माननीय शिवा भैया, कल्याणपुर अड्डा एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की तरफ से भैया 10 रुपए की नाम है, आ उनको कहना उसमें छेद भी है, कहना प्यार ऐसा करना कि उसमें छेद न होने पाए। हेलो, और उनको कहना है कि प्यार चपक के होना चाहिए, लेकिन प्यार टपक के बह न पाओगे। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया राम बहादुर, ग्राम कल्याणपुर अड्डा निवासी हैं, उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 51 रुपए का व्यवहार, साथ में 10 रुपए आने जाने का किराया, पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। क्यों जुर्म की जंजीर में हो फांसती हमें, देखे आ गए माननीय संजय यादव पावरगंज के रहने वाले हैं, 10 रुपए की नाम है भैया, उनको कहना प्यार कर लियो। यार ये बताओ भैया, आप आपके खंभा में करंट नहीं का, गंगा कसम अगर हमका कौन बिटिहनी खाली तई के संकार दे आते तो 2-4 26 हुआ धान गोंज जाए हुई। नमक की तरह गलते चले जा रहे हो सिर्फ पानी कुछ में। भी हो जाए मिर्चा झुरा जाता है लेकिन करवाहट नहीं जाती है। चलो पीछे हटो देवी जी, ये प्यार व्यार का चक्कर बहुत बुरा होता है। और ये बताओ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सालू है और जी कालू नगर की रहने वाली हूँ। नाम सालू है, तुम सुन रहे हो दूसरा कुछ? ये देखो लौंडे कैसा फारी फारी आंखी प्यार देख ही रहे, तई घर हूं का क्या ख्याल करे हो, नहीं मौसिया और पिछवार पेले बैया दिया तो होए। तो आपका नाम सालू है, बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा भी जानना चाहती हो? बहुत इच्छा है। अगर तुम हमारा नाम जानना चाहती हो तो मेरा नाम राजकुमार प्रदीप है, कितना सुंदर नाम, और मैं विराट नगर का रहने वाला हूँ। कितना सुंदर नाम, मान जाओ। लेकिन ये बताओ, हाँ, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम धोखा तो नहीं दोगे ना? किस तरह से समझाऊं तुम्हें? क्योंकि मैं प्यार में धोखा कई बार खा चुका हूं। कहते हैं इसकी जब एक तरफ हो, इसकी जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और इसकी जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अगर बीच में पड़ गए तो मुंह में दांत बिल्कुल नहीं बचेंगे। नहीं आए भैया, वही कहो फेकिन दे। लेकिन ये आ गए हमारे बड़े भैया राम सजीवन, ग्राम मतरमपुर निवासी हैं, उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 51 रुपए का व्यवहार, साथ में 10 रुपए आने जाना किराया, पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। जानती हो क्या कहना चाहता हूँ? अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे
ये प्यार देखे आ गए महपाल भैया ग्राम थौरहरा के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से घरवाली जी के लिए 101 रुपए का व्यवहार। आप तुम दोनों लोगों के प्यार मोहब्बत पे खुश होकर के 20 रुपए की नाम बाल्टी को से धन्यवाद। अब दिल लगता नहीं ना तेरे बिना मुश्किल होगा जीना तेरे बिना आमीन के वादा कर ले जब तक होगा राम भैया। ये बैजू के पुरवा निवासी है। 51 रुपया घर मालिक को बिहार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया संजय यादव ग्राम पावर का निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से ये सालू के काम में खुश होकर 20 रुपए का इनाम और साथ साथ उनका कहना है बेटी हो तो ऐसी हो पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना मुश्किल होगा जीना तेरे बिना आ मिलके वादा कर ले जब तक होगा दम में दम साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे तेरे संग हो अगर जिंदगी हो तेरे संग हो अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले मौत हो तो वो हो तुझसे पहले संजय यादव पावर के निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से ये प्रदीप के लिए 20 रुपए का इनाम और साथ साथ उनका कहना है प्रदीप बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं समझ पाए भूल किया है लेकिन तुम समझ जाओ इनको अपना बना लो। जानते हो सालू अगर हम तुम इसी प्यार के चक्कर में पड़े रहेंगे ना तो आज घर में डांट भी मिलने वाली है। मुझे तो मालूम ही नहीं चला काफी समय हो गया है। क्यों नहीं? हाँ चले चलो ये बताओ अब कब मिलोगी तुम? कब मिलूं? छुट्टी के टाइम। छुट्टी के समय? जब कॉलेज में छुट्टी होती है तो इसी कुटिया पे मिलेंगे। लेकिन जानती हो क्या कुछ कह रहे हैं? बोलो क्या कह रहे हैं? अरे लैला को भूल जाएंगे मजनू को भूल जाएंगे।
के हर पले पर नाम हमारा होगा, तो हमारी कापी उठा के ले के चले गए। अगर किसी ने मेरे घर में देख लिया तो मुझे डांट पड़ेगी। ये हमारी कापी है। सॉरी, ये जल्दबाजी में तुमसे एक बात भी कहना भूल गया था। क्या? तुम अपने घर जाओगी तो अपने मम्मी पापा से हमारी और अपनी शादी के बारे में बात करना। मैं भी अपने डैडी से बात करूंगा। और हम अब प्यार करते हैं तो शादी भी एक दूसरे से ही करेंगे। ठीक है, जा रहे हैं, मैं भी बता के बताऊंगी जा करके। मैं भी जा रहा हूँ, बाय। और चाहे लाख तू भाए, चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तू भाए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, परे जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा जुदा, मुझे प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करूंगी। देखे ये सालू बगैर पाए भैया की इजाजत से प्रदीप नाम के लड़के से प्यार कर गया, प्यार किया है। अब ये खबर सालू के भाई राजेंद्र के पास अटाना होगा। आइए चलते हैं राजेंद्र के पास, ये खबर अटाते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए अगली एंट्री में क्या से क्या। हेलो, ये आ गए हमारे भैया रामनाथ सन्नौ का प्रण में 100 रुपया का व्यवहार, नितेश नितेश 10 रुपया इनाम, शालिग्राम और सन्नव गाँव इसी गांव निवासी 51 रुपये व्यवहार, मनोज कुमार अब चन्नापुर 51 रुपये व्यवहार, 10 रुपये का इनाम पार्टी को से। धन्यवाद। देखिए भाइयों, आप लोगों को व्यवहार देना हो तो आकर के रजिस्टर में आप लोग लिखवा दीजिए, जल्द हो तो। अरे आप लोग बैठे हैं तो जब संगीत समाप्त हो जाएगी तो आपका व्यवहार अलाउंसमेंट कर दिया जाएगा। संगीत में आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आइए चलते हैं इसी वक्त। बताऊं अभी तक हमारी बहन सालू नहीं आई। नमस्ते नमस्ते। और सुनाओ भाई, और बढ़िया है, अपने सुनाओ। हम तो ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है।
हमारे लिए दुख की बात? जी हाँ। कौन सी बात है? लेकिन मेरा दिल कहता है, एक दिल कहता आपसे कहूँ, एक दिल कहता आपसे मैं ना कहूँ, ताकि हमारी बातों को सुनकर आप नाराज ना हो जाएं। अरे यार, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हम नाराज हो जाएंगे? पहले तुम बोलो तो। भैया पहले आप ये बताएं, हमारी बातों को विश्वास करेंगे? अरे हाँ यार, क्यों नहीं करेंगे? तो अगर विश्वास करेंगे तो हम जरूर बताएंगे। बोलो, आपकी बहन इस समय सालू कहाँ पे है? वो तो स्कूल गई है। स्कूल आज नहीं गई है। क्या हमेशा तो कॉलेज जाती थी, लेकिन आज कॉलेज जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक प्रदीप नाम का लड़का मिला था, उससे प्यार कर रही थी। क्या कहते हो? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? आंखों से देखा है, कानों से सुना भी है। नहीं, अरे हमारी बहन सालू ऐसा कर ही नहीं सकती है। हार जीत लगा, वो एक संस्कारी लड़की है। हार जीत लगा लो। अच्छा हाँ, हार जीत लगाऊंगा। हाँ, अगर बात सत्य हुई तो जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर बात गलत निकली तो बेटा इसका अंजाम ऐसा है, या पहले ने हार जीत लगा लियो, मौके वाली बात ही न रहे। चलो ठीक है, हार जीत लगी। अगर हमारी बात झूठे निकलेगी तो ये रहेगी सब्जी, हमारी मुंडी काट कर बरगद के पेड़ में टांग देना। और अगर आपकी बात झूठी निकलेगी तो? अगर ऐसी बात है तो जैसे तुम अपने सर पे रख रहे हो, हाँ, उसी प्रकार मेरे सर पे रख देना। ये बात है, हम नहीं रखेंगे, आप ही रखेंगे। हम चलते हैं, आप अपनी बहन से पूछ लेना। चलो ठीक है, मैं इसके आने का इंतजार करता हूँ। क्या बात भैया? सालू देख, तू मेरी बहन है। हाँ भैया। और मैं तेरा भाई। हाँ। इसलिए मैं आज तुझसे कुछ पूछूं तो बताएगी? हाँ भैया बताऊंगी, बोलो। ये बता कि तेरे कॉलेज में छुट्टी कितने समय होती है? 4 बजे भैया। 4 बजे, और इस वक्त क्या समय हुआ है? क्या समय हुआ? 6 बज रहे हैं। तो ये बता कि जब 4 बजे छुट्टी होती है तो तू 2 घंटे कहाँ थी? बोल। अरे मैं तुझी से पूछ रहा हूँ, किसी और से नहीं। बोल। नहीं बताएगी? देख, मैंने तेरे खुशियों के खातिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, ताकि हमारी बहन पढ़े और अच्छे से रहे। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि तू बिन बताए कहीं भी जाए। कहाँ थी बोल? भैया मैं एक प्रदीप नाम के लड़के से प्यार करती हूँ भैया। प्रदीप नाम की लड़की से? लेकिन ये बता कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है, किसका बेटा है? भैया वो विराट नगर का रहने वाला है, और वो बलराज, महाराज बलराज का बेटा है। क्या कहा तो नहीं? फिर से बोल, इधर आ। क्या कहा तो नहीं? हाँ भैया, महाराज बलराज का बेटा है। सालू क्या तू वो दिन भूल गई जिस दिन हमारे पिताजी को महाराज ने जेल में डलवाया? क्या वो दिन भूल गई तू? और आज तू उसी के बेटे से प्यार कर बैठी है। देख मेरी बहन, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ,
तेरे पैर पड़ता हूँ, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मैं तेरी शादी किसी अच्छे घराने में कर दूंगा, लेकिन उसे भूल जा मेरी बहन। भैया मैं उसे नहीं भूल पाऊंगी। सालू अगर तू आज उसे नहीं भूलेगी तो सुन मेरी बात को, और तुझे आज उसको समझ रही है, और तुझे आज उसको भुलाना पड़ेगा। तुझे आज उसको देख, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूं क्योंकि तू मेरी बहन है। तुझे आज उसको और भुलाना पड़ेगा, और नहीं मारे हंटर की खाना पड़ेगा। बोल बोल, से भूलेगी या नहीं? मैं किससे पूछ रहा हूं, प्रदीप से भैया शादी करूंगी। मैं प्रदीप से भैया हरी शादी करूंगी, हर रहूंगी।